यूपी नीट राउंड टू काउंसलिंग आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है, तो आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें नंबर ऑफ कितनी लगभग सीटें किस कॉलेज में वैकेंट हैं ये डेटा आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो को आप लाइक कर जरूर कर दें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। यहाँ पर हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का भी एक वीडियो बनाया गया था जिसमें आपको लो नीट स्कोर पे कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन मिल सकता है, वो वाला वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप लोग आई थिंक आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको भी एक बार आप जरूर देख लें। तो यूपी नीट के भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी राउंड टू वाली चॉइस फिलिंग, और आई थिंक स्टार्ट हो चुकी होगी, अभी चेक नहीं किया मैंने वेबसाइट को। और जैसा कि हमें पता है टोटल सीट का जो इंटेक है 4550 सीट टोटल है, ऑल इंडिया कोटा में 680 सीटें लगभग चली जाती हैं और स्टेट कोटा में 3849 सीट्स आपकी स्टेट कोटा के अंदर आती हैं। टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज और ऑटोनोमस कॉलेज इंक्लूड करके टोटल 38 कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर इन सभी कॉलेजेस में ठीक है कितने कॉलेजेस हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट आई है ये आप देख सकते हैं। वैकेंट सीट उन कैंडिडेट का डेटा है जिन बच्चों ने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, या तो रिपोर्टिंग नहीं की है, उसमें से कुछ ये बढ़ भी सकता है अगर किसी बच्चे ने सीट छोड़ दिया, जिन कैंडिडेट की सीट अपग्रेड हो जाएगी वो सीटें भी एक्सटेंड भी हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो ये टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स का डेटा है। अब इसमें अगर हम बात करें जैसे झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर लगभग 10 सीट्स आपकी 124 बच्चों ने रिपोर्ट किया है, लगभग यहाँ पर 10 बच्चों की रिपोर्टिंग नहीं है। स्टेट कोटा के अंदर यहाँ पर 124 सीट्स आती हैं और जिसमें से लगभग 10 सीट्स का जो रिपोर्टिंग है 10 बच्चों ने रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं की है। इसके बाद राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर 14 सीट्स का नंबर ऑफ सीट वैकेंट हो सकती हैं, लगभग 14 सीटें वैकेंट आ सकती हैं। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है, 8 सीटें वैकेंट आ सकती हैं। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसमें भी 10 सीट वैकेंट आ सकती हैं। और आपका मोतीलाल नेहरू जो कि डिमांडेड कॉलेज है इलाहाबाद में प्रयागराज में, तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में लगभग 17 बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया, 17 सीटें यहाँ पर वैकेंट आ सकती हैं। जीएसवीएम कानपुर, तो जीएसवीएम कानपुर भी यहाँ पर 13 सीट्स लगभग वैकेंट आ सकती हैं, या 13 बच्चों ने रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं की है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, 10 स्टूडेंट्स का सीट वैकेंसी लगभग होगा। और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज केजीएमयू केजीएमसी लखनऊ, लगभग 30 सीटें हैं जो कि अभी राउंड टू के लिए अवेलेबल रहेंगी, राउंड टू में लगभग 30 स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग यहां पर नहीं की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 8 सीट हैं, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज 10 सीट्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन यहां पे भी लगभग 8 सीट्स हैं, अम्बेडकर नगर में भी 8 सीट्स हैं। तो इस तरीके से पूरा एक पीडीएफ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां से हमारे ऑटोनोमस कॉलेज भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो लगभग जितने कॉलेज हैं ऑटोनोमस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस का ये पूरा डेटा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ टीम की तरफ से शेयर कर दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यूपी नीट काउंसलिंग वैकेंट सीट्स के बारे में, और कोई आपकी डाउट इंक्वायरी कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग उस पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे और ज़्यादा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, डेटा फैक्ट्स रिसर्च करके आपको दिया जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।